अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी प्यारी सी निमरा शेख, और मेरे चैनल ज़िंदगी जियो निमरा के साथ मैं आपको कहती हूँ खुशामदीद। और आज मैं काफ़ी दिनों के बाद व्लॉगिंग जो है वो व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो बस जी, दो तीन दिन मेरी बहुत बुरी हालत थी, यानी कि मैं दो दिन के अंदर अंदर मैं जो है ना हॉस्पिटल्स के थ्री हॉस्पिटल्स की इमरजेंसी में गई हूँ। मतलब ज़िंदगी में कभी इतना बीमार नहीं हुई जितना मैं इन दो तीन दिनों के अंदर अंदर हुई हूँ। तो अभी तो मैं सोच रही थी, अभी थोड़ी देर पहले, मेरे ख्यालात वैसे बदलते रहते हैं, लेकिन अभी मैं सोच रही थी कि मैं ना छोड़ देती हूँ ये सब छोड़ देती हूँ, सारा कुछ डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि क्या फ़ायदा कि मतलब कि कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं छोड़ देती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं करूँगी क्या, फिर बैठ के सोचती रहूँगी वेली बिल्कुल अगर होंगी तो फिर क्या होगा, फिर मैं पागल हो जाऊँगी। और फिर वैसे ही ना बिल्कुल, वैसे तो भी मैं फ़िज़िकली बीमार हुई थी ना, फिर मैं मेंटली भी बीमार हो जाऊँगी, और जो है ना फिर मेरे घर वाले मुझे पागलखाने में जमा करा देंगे। अच्छा खैर, वापस आते हैं मुद्दे की तरफ। तो फिर जी हुआ क्या था मुझे वो मैं आपको बताती हूँ। मुझे हो गया था हैज़ा, जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब रूटीन की वजह से हुआ था। अभी भी सुबह के 7 बजे मैं लेट के आ गई हूँ। अब आखिर छत पे थोड़ी, मैंने कहा ज़रा आसमान देख के आएँ और थोड़ा फ्रेश फील करने के लिए, क्योंकि नींद तो मुझे पता है 10 बजे तक नहीं आएगी। तो मैंने कहा चलो फिर चलते हैं, ज़रा वॉक शॉक करके आते हैं। तो हुआ ये था कि मेरी रूटीन ख़राब होने की वजह से ये था कि खाने पीने की टाइमिंग भी चेंज हुई कुछ, और ना मैंने कुछ खा लिया होगा ऐसा वैसा। आई थिंक मुझे तो याद आता है कि मैंने शायद खरबूज़ा खाया था, और खरबूज़े के बाद मैंने दूध पी लिया था। इस वजह से मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हुई। मुझे ज़िंदगी में कभी, मैं इतना बीमार नहीं हुई, और ज़िंदगी में कभी भी मुझे ड्रिप नहीं लगी। मतलब मुझे इंजेक्शन लगे हैं, लेकिन कभी भी वो जो जिसको बंडोला शायद कहते हैं वो नहीं लगा। लेकिन इस बार तो मैं इतना मतलब बीमार हुई कि मुझे 2 बार जो है वो ड्रिप्स लगी। तो फिर कहीं जाके मैं थोड़ा अब स्टेबल हुई हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब यह है कि शुक्र है कि ये है कि 3 दिन तक बीमारी कहते हैं रहे ना, तो आपके जो पिछले सारे गुनाह हैं वो हो जाते हैं माफ़। तो मुझे पूरा यकीन है कि 3 दिन की बीमारी के बाद मेरे सारे पिछले गुनाह माफ़ हो गए होंगे। तो जी हाँ, तो मुझे ना यही था कि मुझे हो गया था हैज़ा, तो जिसकी वजह से मुझे वॉमिटिंग, और बार बार मैं वॉशरूम में जा रही थी। तो मतलब इतनी बुरी हालत थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा खैर, अल्हम्दुलिल्लाह से अब मैं ठीक हूँ, और देखें पहले से ज़्यादा हंस रही हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस जी, ये थी आज के दिन की शुरुआत हो गई। और हाँ, और बिल्कुल भी बद परहेजी ना करें, और खाने के फ़ौरन बाद तो बिल्कुल भी मत लेटें, बिल्कुल भी मत लेटें। तकरीबन 40 कदम जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़रूर चल लिया करें। और मैंने भी ये पूरी मैंने तय किया कि मैं बिल्कुल भी खाने के बाद फ़ौरन से नहीं लेटा करूँगी। मतलब कि मैं ये हो रहा था कि काफ़ी दिनों से ये हो रहा था कि इफ्तारी करके मैं फ़ौरन सो जाती थी, तो जिसकी वजह से मेरी जो है वो ये हालत हुई, ये कंडीशन हुई। और कुछ मैं खाने के बाद फ़ौरन बाद पानी पी लेना, मतलब इस तरह की, और जंक फूड मैंने बहुत ज़्यादा स्टार्ट किया हुआ था, जिसकी वजह से मेरी ये हालत हुई। तो बाकी है कि सेहत बहुत बड़ी नेमत है। जब आप बीमार होते हैं ना, तब आपको इस चीज़ का एहसास होता है कि वाकई के अगर अल्लाह ताला ने आपको सेहत भी दी हुई है, तो ये भी बहुत बड़ी दौलत है आपके पास। तो अब मैं ऐसा शुरू ही हूँ कि बंद ही नहीं हो रही। तो जी, फिर यह है कि अब मुझे एहसास हो गया कि वाकई मैंने जंक फूड थोड़े कम करने हैं, और खाने के बिल्कुल बाद नहीं सोना, थोड़ी वॉक करके थोड़ा खाने को हज़म करके फिर सोना है। ऊट पटांग चीज़ें नहीं खानी कि जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा, मतलब ख़ुद तो बंदा परेशान होता ही है, साथ सब जो घर वाले हैं वो भी परेशान हो जाते हैं। तो मुझे तो वैसे वाकई बहुत बुरा लगता है कि कोई मेरी वजह से किसी को कोई कष्ट उठाना पड़े। तो अच्छा खैर, बाकी बातें भी अब मैं आपके साथ साथ करती रहूँगी, तो रहना है आपने मेरे साथ। व्यू चेक करें आप लोग, और ये एरोप्लेन कहाँ जा रहा होगा। और आज आई थिंक 13वां रोज़ा है ना, क्या मंजर है खूबसूरत, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह।
जी, तो यहाँ पे सब ना अफ्तारी कर रहे थे, तो मेरा मोबाइल चार्जिंग पे लगा हुआ था, तो एज़ यूजुअल हसन मेरा मोबाइल उतार के ले आया, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी मैं वीडियो भी बना लेती हूँ। और पहले ज़मीन पे दस्तरखान लग रहा था, लेकिन यह है कि अब भाई वगैरह शॉप से नहीं आते घर रोज़ा खोलने के लिए, तो कम ही लोग होते हैं, तो इस वजह से अब जो है हम टेबल पे ही सारी जो है वो दस्तरखान लगा लेते हैं। तो चेयर्स पे बैठ के अब हम अफ्तारी करें, और यहाँ पे मैं खा रही थी समोसा। और दो दिन से मैंने वीडियो एडिट की ही नहीं, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा अब ज़रा फाइनली एडिट करके तो डाल ही दूँ, अपलोड कर ही दूँ वीडियो। और इस वक्त जो है आज है 14th रोज़ा, और असर भी पढ़ ली है मैंने, और ये ना नेबर से आए हुए थे जो हैं दही भले, और अभी इस वक्त घर में सफाई हो रही है। तो जी रहे अपडेट और चैनल को कर दे सब्सक्राइब। सोया क्यों नहीं है? इधर आ बात सुन, इधर आ मेरी बात सुन, सोया क्यों नहीं है? मुझे धक्के क्यों दे रहा है यार? सुबह मेरी बात सुन, एक बात सुन ले, सुबह के 8 बजे तो सोया क्यों नहीं यार? तेरी रूटीन तो मेरे बनी हो गई है, सोया क्यों नहीं? क्या कर रहा था तू? क्यों नहीं सोया बता, तेरे से बातें करूँ? क्या बातें? कहीं नहीं, मैं तो छत से चक्कर लगा के आई हूँ। अच्छा तुम जब तुझे मेरी आवाज़ आ रही थी। अच्छा अच्छा और सुना, जाओ नीचे। क्या बोल, क्या कह रहा है? कहाँ भेज रहा है मुझे? मेरी माँ पास? तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। ओके पाओ जाओ, याद रखना, याद रखना। क्या करना है डंडा? क्या करना है तुम्हें? तू मुझे मारेगा, भागो। सर ये क्या लिखा हुआ है? ये सर आप क्या लिख रहे हैं? एट, सर ये क्या लिखा हुआ है? ये ओके सर, एट 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 एट। सर बस मुझे छुट्टी दे दें, अब मैं छुट्टी करूं? नहीं अभी नहीं, अभी नहीं। क्यों सर? अबे सुबह के बाहर हूँ मैं। ओके सर। अच्छा तो हमारी सहन की हुई हुई है वॉच ख़राब, और यहाँ पे अबू लेके आए थे न्यू वॉच। इस वॉच का साइज़ थोड़ा सा छोटा था, लेकिन अबू कहते कि यही स्टॉक था दुकान वाले के पास, तो मुझे यही अच्छी लगी, तो इसलिए फिर मैं यही ले आया। और बस ये मेरी दुआ है कि रमज़ान के जो थोड़े से मेहमान हैं रमज़ान, और अब जो छोटे से थोड़े से रोज़ रह गए हैं, अल्लाह करे कि वो हम सब अब खुशियों खुजू के साथ और ज़्यादा यकसोई और तवज्जो से रखें, और अब कोई भी रोज़ा जो है वो स्किप ना हो। और यहाँ जी हो गई वॉच सेट, कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताइएगा। दुआ में आपने मुझे खसूसी याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।